हेलो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम आई एम लिविंग एट आउट ऑफ स्टेशन एंड आउट ऑफ माय स्टूडियो, सो आई शूटिंग दिस वीडियो ऑफलाइन विदाउट एनी कैमरा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, काफ़ी अर्जेंट अपडेट है रिगार्डिंग। आई रिसीव्ड मैनी मैनी क्वेश्चंस एंड ईमेल एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो पता नहीं मेरा पर्सनल नंबर भी कहाँ से मिला है। ठीक है, इसके साथ यार एडमिशन के रिगार्डिंग जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी का लिंक नीचे दिया गया, जिसके अंदर काफ़ी अपडेट डाले जाते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन। अभी अपडेट तो डालना स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अपडेट डालना शुरू हो जाएगा, तो जैसे आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अपडेट ये है, क्वेश्चन ये है कि भैया एनटीए का कुछ भरोसा है नहीं। हालांकि कुछ स्टूडेंट का ये काफी बड़ा क्वेश्चन था कि भैया हमको जो स्टेट चेंज करना था, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि फॉर्म भरने के टाइम पे, जैसे कि जून के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, जून में जो वो लोग जो थे वो बिहार के अंदर थे और उन्होंने जो है अपना स्टेट बिहार डाल दिया। ठीक है, ट्रेनिंग जो भी एग्जामिनेशन एंट्रेंस सेंटर था एंड कुछ इश्यूज पढ़ाई की वजह से वो जो है अभी दूसरे स्टेट में रह रहे, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई गुरुग्राम, कोई राजस्थान, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, कोई कहीं, कोई जम्मू कहीं रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मुंबई। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि भैया हम जो है आउट ऑफ स्टेट है, जैसा कि करेक्शन विंडो ओपन हुआ था और जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हमें जो स्टेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। हालांकि जो इस इश्यू की वजह से काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और क्या भैया हम जो अपना एग्जाम एंट्रेंस सेंटर चेंज कर सकते हैं, एंड कुछ जो छबरी यूट्यूबर्स हैं उनका ये कहना है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर से ओपन होंगे। हाँ, एक बच्चे ने मेरे को वीडियो की क्लिप शेयर की कि एक जो बंदा ऐसा था यूट्यूब पे, आई डोंट नो अबाउट वो इज दिस एंड, लेकिन वो बोलता है कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन होने वाले हैं सीयूईटी पीजी के। सर, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। वैसे भी हमारा जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। अगर अपन देखें एज पर इंडियन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, आपके जो एग्जामिनेशन और जो भी एडमिशन है क्लासे हैं वो टिल आप मान सकते हो कि 5 अगस्त तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल बिफोर कोविड-19 आपके जो 15 अगस्त है वो ऑलमोस्ट कॉलेजों में और स्कूलों में जो स्टूडेंट के साथ मनाया जाता है, लेकिन ड्यू टू दिस ट्रेजेडी हमें जो है ऐसा भी इश्यू फेस करना पड़ रहा है कि हम जो अपना तिरंगा भी नहीं पहना पा रहे हैं, वो भी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। समझ रहे हो ना? तो यार ये काफी बड़ा अपडेट है। अब अपन बात करते हैं अब एडमिट कार्ड की, कि एनटीए आखिरकार कब सीयूईटी पीजी का एडमिट कार्ड रिलीज करेगा और कब वो मोमेंट आएगा जब आप जो एग्जाम दोगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे पूरे एग्जामिनेशन के अंदर एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगने वाले हैं, यानी कि जो अगर आपके जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं 1 सितंबर से, तो आप ये मान के चलो कि 20 से 25 सितंबर तक तो आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। ओके, सो 9वां महीना तो ऐसे ही चला गया। फिर जो है आपका काउंसलिंग का टाइम आता है, तो पूरा पूरा 1 महीना लगेगा काउंसलिंग के अंदर, तो अक्टूबर जो है पूरा का पूरा काउंसलिंग के अंदर चला जाएगा। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो टिल लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के बाद कौन सा आता है, नवंबर, दिसंबर, राइट? सो नवंबर के अंदर जो है, हाँ जी नवंबर ही आता है, राइट? सो यार नवंबर के अंदर जो है आपकी क्लासे स्टार्ट हो जाएगी। रही बात आपके एडमिट कार्ड की, तो आपका जो एडमिट कार्ड है, अब यार मैं सितंबर क्यों बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन के लिए, सर आपके जो सीयूईटी पीजी के जो एग्जामिनेशन है वो 20 अगस्त तक तो कंफर्म है कि 20 अगस्त तक तो नहीं होने वाली, क्योंकि जो आपके जो सीयूईटी यूजी के एग्जामिनेशन है कुछ तो ये, जब तक ये यूजी वाले एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक आपके सीयूईटी पीजी के एग्जाम स्टार्ट नहीं होंगे। एक बड़ा कंसर्न ये कि जो पीजी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे जेम हो गया, ओके, और भी जैसे जीआरएफ हो गया, नेट वगैरह है, वो भी बीच में आ रहे हैं, आई थिंक 15 से 20 जो भी अगस्त है, तो इस इश्यू की वजह से जो आपके जो एग्जामिनेशन है वो 20 अगस्त के बाद में ही होंगे। तो अब जो है 20 अगस्त के बाद में मान के चल रहे हैं इनको। आपका जो एडमिट कार्ड है वो जो है टिल 8 अगस्त तक आप मान के चल सकते हो, 8 अगस्त तक जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब यार ये मेरा भी मतलब बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट का, और काफी सारे स्टूडेंट इसे बहुत ही ज्यादा परेशान है, परेशान नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा परेशान है रिगार्डिंग द एंट्रेंस सेंटर, क्योंकि
क्योंकि जो है इसके अंदर एंट्रेंस सेंटर चेंज करने का मौका दिया गया है नहीं, और ये जो है ये जो सीओटी करेक्शन का एक कारण, सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था कि एंट्रेंस जो सेंटर है वो चेंज करना था, और उसी को हम जो है सोल्व नहीं कर पाए। अब यार कोई बच्चा जो ट्रेनिंग पे चल रहा है, जैसे गुजरात में है मुंबई कानपुर उसका सेंटर है, या फिर नागपुर उसका सेंटर है, हाउ इट्स पॉसिबल कि वो जो है गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से वो नागपुर जाए, कानपुर जाए और एग्जाम देके वापस आए। कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, वो जो है 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, एक एग्जाम के लिए जम्मू जाए और अपना सेंटर चेंज करके आए, वापस आए, राइट। तो आप मान के चल सकते हो, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट है तो इनको भी काफ़ी बड़ा इश्यू फेस करना पड़ रहा है, सीयूटी पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं। तो यार इसके लिए जो है हम एक ही कर सकते हैं, अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो हम एनटीए को रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस, और अभी भी ये पॉसिबल है कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है उसको चेंज करने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि करेक्शन के अंदर ये मेंशन नहीं किया था एनटीए ने कि जो है आपके करेक्शन का जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और अगर वो करेक्शन का बोल के अगर टेस्ट सेंटर चेंज करने का मौका नहीं देता है, देन जो है इसमें स्टूडेंट का तो क्या ही इश्यू। अगर वो लोग बोलते कि आपको ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ेगा, देन हम जो उसके हिसाब से चलते। अब जस्ट जब इन लोगों ने बोला है कि आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, देन यार जस्ट ये तो काफ़ी गलत हो रहा है हमारे साथ, और हमको इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, और ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हम इसके लिए। आपका इसके रिगार्डिंग क्या कंसर्न है, क्या आप मेरे साथ हो या फिर जो भी लोग हैं उनके साथ है, क्या जो स्टूडेंट है जो इससे परेशान है, क्या आप उनका सपोर्ट करते हैं, क्या हिस्टेक एनटीए करेक्शन एंट्रेंस टेस्ट सेंटर में आप सपोर्ट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो है एनटीए को ईमेल ज़रूर डालें इसके रिगार्डिंग, जिन स्टूडेंट को चेंज नहीं करना वो भी प्लीज़ उन स्टूडेंट का सपोर्ट ज़रूर करें जिनको जो है इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नीड है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। 15 अगस्त को जो है ज़रूर अच्छे से मनाइए, और जो है अपने घर में फ्लैग जरूर लगाएं, ठीक है, थैंक यू।